हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण से संबंधित एक आदेश जारी हुआ है गेस्ट टीचर फैकल्टी पोर्टल पर। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये जो आदेश है कोर्ट केस अतिथि शिक्षक के संबंध में है, 9/7/2024। यहाँ पर आप डेट स्वयं देख रहे हैं, डली हुई है। इस आदेश को जब हम खोल कर देखते हैं तो ऐसा आदेश हमारे सामने आता है जो कि लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश से जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो याचिकाकर्ता कपिल मोदी और ये जो है केस नंबर दिया गया है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन यह उल्लेख किया गया है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण तथा डीएड बीएड प्रशिक्षित एवं 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षक को नियमित किया गया। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की है, यानी नियमितीकरण की यहाँ पर मांग की गई है। अब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के आवेदन का प्रचलित भर्ती नियम निर्देशों क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1/12/2022 के अनुसार सीधी भर्ती में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान है। नियम 8 के उपनियम 5 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। नियम 11 उपनियम 7/4 में अतिथि शिक्षकों के लिए निम्नानुसार प्रावधान है। शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों के 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिन दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। यानी गेस्ट टीचर के यदि पद खाली रह जाते हैं तो अन्य जो पात्रताधारी हैं जिन्होंने गेस्ट टीचर में काम नहीं किया उन्हें वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा इस लाइन के अनुसार। आगे देखें, याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत संचालन के पत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 11/9/2019 प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षक हेतु आरक्षित किए गए हैं। इसी अनुसार कार्रवाई की जाती है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षक के सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। दोबारा से पढ़ दूं दोस्तों, उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षक को सीधे नियमित किए जाने का प्रावधान नियम नहीं है। अतः उपरोक्त तत्वों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के आवेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है। यानी कि नियमितीकरण का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। ये आदेश में स्पष्ट करके जो नियमितीकरण की यहाँ पर जो मांग की गई थी माननीय उच्च न्यायालय से भी और लोक शिक्षण संचालय से भी, वहाँ से ये जो मांग है वो एक तरह से खारिज कर दी गई है। इससे जुड़ी और कोई अपडेट होगी डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा। हमारे जो अतिथि शिक्षक भाई बहन हैं और जो अतिथि शिक्षक भाई बहन नहीं है वो इस विषय में क्या सोचते हैं अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। धन्यवाद।